semi-visible. Let me just check. ओके हाय एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी नीट. कैसे हैं सब बच्चे? थोड़ा सा नया सेटअप करने में मुझे टाइम लग गया था, बट यस वी आर वेरी मच लाइव नाउ. वी आर जस्ट टेस्टिंग. आज मैम बहुत छोटी दिख रही है, बट यस वी विल कीप ऑन इवॉल्विंग, वी विल कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स. सो वेलकम गाइज. कल कुछ टेक्निकलिटी की वजह से हम सेशन नहीं ले पाए थे, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था टेलीग्राम पर, बट यस टुडे वी आर हेयर एंड वी विल कॉन्टिन्यू आवर चैप्टर ऑफ एवोल्यूशन. एवोल्यूशन में बेटा हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, है ना, कि क्या क्या गवाह हैं. हमने बहुत सारे एविडेंसेस डिस्कस किए. वी हैड डिस्कस्ड बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, वी हैड ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, जिसमें हमने अडैप्टिव रेडिएशन के बारे में बात किया, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में बात किया. आज बेटा हम उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा करेंगे एविडेंसेस के बारे में, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टू द थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन. दोनों चीजें डिस्कस करनी है, दैट इज बेटा लिटिल बिट अबाउट मॉलिक्यूलर एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, एंड देन वी विल मूव टू द थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन. एक बार बता दो बेटा, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ मैम, छोटी हो गई है मैम, छोटी सी, बट इट्स गुड, यू नो. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के कि नई नई चीजें हम कर रहे हैं, नया सेटअप ट्राई कर रहे हैं. ठीक, चलिए आगे चलते. तो जो बच्चे मैम को नहीं जानते, माई नेम इज सीप पाउजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट ऑन अन अकेडमी नीट. आप एवरी डे बेटा मैम के सेशंस देख सकते हो अन अकेडमी नीट पर. कहाँ पर? 6 बजे शाम को संजीवनी बैच में, जिसका नाम नीट 3.0 भी है. तो कंफ्यूज मत हुआ करो, व्हाट इज संजीवनी, व्हाट इज नीट 3.0, एक ही बात है. ठीक है, शाम को हमने नीट लाइव डेली 3.0, दैट इज संजीवनी बैच का नया बैच शुरू करा हुआ है, जिसमें हमारा एवोल्यूशन चल रहा है. ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज डन डना डन डन. ठीक है, अब क्या मैम 11th क्लास को नहीं पढ़ाती हैं? बिल्कुल पढ़ाती हैं बेटा. 11th क्लास का भी हमारे पास बैच चल रहा है. आप देखोगे 2022 का भी चल रहा है, जिसमें वहां रिप्रोडक्शन चल रहा है, एंड 2023 का भी बैच चल रहा है गाइज, जिसमें वहां पर मैं डाइजेशन करा चुकी हूँ, एनिमल टिश्यूज कराना चल रहा है, एंड बायो मॉलिक्यूल्स बेटा मेरा इस बैच में स्टार्ट हो रहा है, दैट इज विजय भव बैच. तो इस बारे प्लस में एक नहीं दो नहीं, हमारे पास कितने बैच हैं, कितने बैच है बेटा? 3 बैचेस है टोटल. वी हैव गॉट 3 बैचेस ऑन प्लस. तो आपके 3 चैप्टर्स चल रहे हैं, एनिमल टिश्यूज, रिप्रोडक्शन एंड बायोमॉलिक्यूल्स. अगर आप प्लस में एनरोल होना चाहते हो, देन टुडे इज द बेस्ट डे, क्योंकि आपके पास जो ऑफर आज आ रहा है वो दोबारा नहीं आएगा. इट इज ओनली बेटा फॉर वेंसडे. किसके लिए है ये ऑफर? दैट इज ओनली फॉर वेंसडे, दैट इज कॉल्ड एज बंपर ऑफर. तो सब बच्चे एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड, दैट इज गोइंग टू बी सीप लाइफ. ठीक है, सीप लाइफ कोड यूज करोगे, देन आपको बेटा मैम के डाउट ग्रुप, देन डाउट क्लियरेंस एंड साथ ही में DPPs, देन आपके पास हैंड रिटन नोट्स, डेली काउंसलिंग, डेली डाउट क्लियरेंस, एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट. ठीक है, और मैम की बेटा पर्सनल मेंटोरशिप में आ जाओगे. किस में आ जाओगे? पर्सनल मेंटोरशिप में आ जाओगे. ठीक, यस बेटा, यस. हाँ यार, कौन है ये? मिस मिंडार, बिल्कुल हमारे पास सब कुछ है, हम बस नया चीज ट्राई कर रहे हैं. ठीक है, तो ये दोनों बैचेस मैंने आपको बता दिए, आ जाए स्टार्ट करें बेटा थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन. एवरीवन एक बारी जोश बता दो, हाई है कि नहीं है? कम ऑन गाइस, टेल मी. यस यस यस. जतिन बेटा, एक आकांक्षा मैम की तबीयत थोड़ी सी अभी ठीक नहीं है, शी इज यू नो जस्ट पेइंग अटेंशन टू हर हेल्थ राइट नाउ. हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं होता, तो हेल्थ के बाद बेटा जैसी वो ठीक हो जाएंगी, शी विल स्टार्ट टेकिंग दोज क्लासेस. आई नो आप लोग बहुत मिस कर रहे हो, है ना. चलिए 2 क्वेश्चन पूछ लूँ पिछली क्लास में से. इफ़ आई आस्क 2 क्वेश्चन हो जाएगा? देख लें बेटा कितना आ रहा है. ओके, सो पहला क्वेश्चन, ये तो आप जानते ही हो, दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ योर एवोल्यूशन, है ना. सो पहला क्वेश्चन बेटा दिस वन, कम ऑन. द फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड एन एविडेंस इन फेवर ऑफ, बताइए. फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड्स एन एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन ड्यू टू म्यूटेशन, रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन या फिर स्पेशल क्रिएशन, बताइए बताइए. कम ऑन, द फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड्स एन एविडेंस इन फेवर ऑफ. हाँ जी, कम ऑन गाइस, कौन कौन बताएगा करेक्ट आंसर? यस, क्या लग रहा है?
एवोल्यूशन ड्यू टू म्यूटेशन हुई थी, तब तो म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था डार्विन को. रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन होता है उल्टा चले जाना, कॉम्प्लेक्स से सीधा सिंपल बन जाना, दैट इज कॉल्ड एज रेट्रोग्रेसिव. अब आता है स्पेशल क्रिएशन. स्पेशल क्रिएशन तो एक थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ की, गिवन बाय फादर सुआरेस. क्या बचता है बेटा? बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन. एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर, यही दे रहे हो ना, दैट इज गोइंग टू बी बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन. यस, हाँ जी बिल्कुल ठीक. हाँ बिल्कुल ठीक बेटा, सी होगा कि अलग अलग ज्योग्राफी में बेटा यहाँ पर एवोल्यूशन हो रही है. ठीक, चलिए अगला देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. जस्ट मैं कल वाला रिवाइज करा रही हूँ बेटा, अभी मैंने नया शुरू नहीं किया है. नए में अभी हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और साथ ही बात करेंगे कुछ थ्योरीज के बारे में. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन एरियाज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक जगह से शुरू हुए एंड स्प्रेडिंग टू अदर ज्योग्राफिकल एरियाज, दैट इज कॉल्ड एज अडैप्टिव रेडिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, माइग्रेशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. हाँ जी बताइए, कम ऑन गाइज. Evolution of different species in a given area. Starting from a point and spreading to other geographical area. बना लो, simple सा क्या है तुमको बनाना है. एक जगह से start हुए, अलग अलग जगह पे migrate होकर नए नए species बन गए. उस process को जिसमें इस तरीके से species बनते हैं, different geographical areas where they migrate, वहाँ की environment के according adaptation करते हैं, फिर उनके changes आते हैं, that is called as absolutely. बताओ chat section में answer क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ जी, कम ऑन, बी फास्ट इन गिविंग आंसर, हाँ टाइम नहीं लगाना किसी ने. यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गोइंग टू बी अडैप्टिव रेडिएशन. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? हाँ, रेज निकलना सन की अडैप्ट करने के लिए. अडैप्ट क्यों करना है? क्योंकि वो अलग जगह पर चले गए हैं. एग्जाम्पल बेटा वही डार्विनियन फिंचेस है ना, यही एग्जाम्पल होगी. साथ ही में एक और एग्जाम्पल बताई थी वही ऑस्ट्रेलिया वाली. ऑस्ट्रेलिया वालों में ऐसा क्यों हुआ, कभी सोचा आपने? क्योंकि बेटा जब ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ ना, ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, यहाँ अलग से कॉन्टिनेंट बन गया, तब उसको ना कॉम्पिटिशन ही खत्म हो गया. पहले उसको कॉम्पिटिशन हो सकता था यूथीरियन मैमल से, बट जब ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट अलग से बन गया, वहां पर आपके मार्सुपियल्स चले गए, तो उनको कॉम्पिटिशन की कमी हो गई. और कॉम्पिटिशन ना होने की वजह से बेटा उसी के अंदर अंदर क्या हुई, ज्योग्राफिकल एरिया बटे और क्या हुई वहां पर, अडैप्टिव रेडिएशंस. सो ये दोनों आपके एग्जांपल है, प्लेसेंटल मैमल्स भी एग्जांपल है, और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल्स एक साथ क्या करते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. याद? हाँ जी, चलिए आ जाइए. कम ऑन, लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन. थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन बेटा, स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा करते हैं, हमारा एक एविडेंस बच गया था, दैट एविडेंस इज कॉल्ड एज मॉलिकुलर बायोलॉजी. एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, एक एविडेंस हमारा रह गया था जो मैं अभी कवर करा रही हूं, दैट इज द एविडेंस विच इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ठीक है बेटा, कौन सा एविडेंस रहेगा? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्या मतलब है? तुमको ना सेल के अंदर के लार्जेस्ट मॉलिक्यूल के पास जाना है. अब सेल के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल इज द लार्जेस्ट वन, दैट इज गोइंग टू बी कौन सा, दैट इज गोइंग टू बी बेटा डीएनए. अगर मैं किसी तरीके से दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए कंपेयर करूं और उसमें सिमिलैरिटीज आ जाए बेटा, सेम टाइप का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आ जाए, तो क्या आप बोलोगे कि दोनों के एंसेस्टर कॉमन है? बता दो मैम को येस और नो में. क्या तब हम बोल सकते हैं कि दोनों के एंसेस्टर कॉमन है? अगर इस तरीके से सिमिलैरिटी आ जाए, तो दो बंदों का, दो डिफरेंट स्पीशीज का डीएनए लिया, कंपेयर किया, मैचिंग हो गई, बेटा दिस विल प्रूव दैट दे डू हैव अ कॉमन एंसेस्टर. तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप क्या करते हो, आपने लिए टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, क्या किया बेटा, टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिए, ठीक, टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लेने के बाद आपने उनके सिक्वेंसेस कंपेयर किए. क्या किया? यस, यू हैव कंपेयर्ड देयर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. ठीक, सीक्वेंस जब कंपेयर किए तो बेटा क्या आ गई, सिमिलैरिटी आ गई. यस बेटा, क्या आ गई, सिमिलैरिटी, बिल्कुल सेम निकल रहे हैं. तो आप क्या बोल दोगे, दे आर क्लोजली रिलेटेड. यस गाइज,
तो आपने यहाँ पर एवोल्यूशन के बारे में बताया बाय स्टडिंग द मॉलिक्यूल, एंड हियर द मॉलिक्यूल इज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट इज डीएनए, है ना। सो दिस इज द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन गिवन बाय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कुछ और ऐसे केमिकल्स भी हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यार ये दोनों चीजें ना आपस में रिलेटेड है। कैसे? हाँ जी, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस, दैट इज एटीपी। पहला बेटे मैं आपको क्या बता रही हूँ, एटीपी। अब जब हमने एटीपी को देखा तो यार हमने ये नोटिस किया दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स दे हैव गॉट सेम एनर्जी करेंसी। सबकी एनर्जी करेंसी क्या निकल रही है बेटा, एटीपी निकल रही है। क्या पता चला कि यार सबका एंसेस्टर कौन है, कॉमन है। जैसे सबका मालिक एक है वैसे ही सबका एंसेस्टर भी क्या है बेटा, कॉमन है। क्योंकि ये बेटा क्या निकली, यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी। सोचा नहीं था हमने, हम तो सिर्फ अपनी बात करते हैं, लेकिन ये क्या निकली, यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी। यस गाइस, क्या निकली, यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी। नेक्स्ट आता है अबाउट थायरोक्सिन। यस, किसके बारे में आता है बेटा, थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन हमारे में इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो कौन कंट्रोल करता है, हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट, दैट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन। अब क्या ये थायरोक्सिन सिर्फ हम में है ना, ये थायरोक्सिन बेटा किस में है, फ्रॉग में भी है। याद करो, यही थायरोक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, है ना। टैडपोल को कन्वर्ट करना है मुझे एडल्ट में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, थायरोक्सिन होना चाहिए। फ्रॉग का भी तो थायराइड ग्लैंड है, उसको थायरोक्सिन बनाना पड़ेगा। लेकिन बेटा जिस टैडपोल में टैडपोल ने थायरोक्सिन नहीं बनाया वो मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाएगा। फिर हमने कोशिश किया टैडपोल को ना ह्यूमन वाला थायरोक्सिन देकर देखते हैं। क्या दिया यहां पर इनको, ह्यूमन का थायरोक्सिन दिया। और सरप्राइज वाली बात यह थी कि यहां पर एडल्ट बन गया। ह्यूमन थायरोक्सिन देने के बाद बच्चे एडल्ट बन गया। क्या समझ आया कि जो हमारा थायरोक्सिन है और फ्रॉग का थायरोक्सिन है वो रिलेटेड है। यस और नो बता दो बेटा चैट सेक्शन में, ये बात समझ आई यस और नो, कि जो हमारा थायरोक्सिन है और जो फ्रॉग का थायरोक्सिन है वो भी क्या निकला, रिलेटेड निकला। यहां से समझ आ जाएगा कि ये क्या है, कॉमन एंसेस्ट्री। सुन रहे हो नहीं सुन रहे, बस तुम्हें बोर्ड चल रहा है, कुछ नया ट्राई करो यार, है ना। क्या कर रहे हैं हम, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। यस, तो यहां से भी प्रूव हो रहा है कॉमन एंसेस्ट्री। और कैसे प्रूव हो रहा है, जैसे मैं आपको बताऊं एक एंजाइम, ये तो हार्मोन था, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी एंजाइम, दैट इज ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन इज ऑल्सो यूनिवर्सल एंजाइम, सब में पाया जाता है। क्या है बेटा, ये भी यूनिवर्सल एंजाइम है। प्रोटोजोआ से लेकर मैमल्स तक सब में क्या मिल रहा है, ये ट्रिप्सिन मिल रहा है। और यही ट्रिप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग डाउन द प्रोटीन के डाइजेशन के लिए बेटा, है ना। हाँ जी, और हमने क्या कंपेयर किया, बड़ा इंटरेस्टिंग, दैट इज वी कंपेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। हमने किसका स्ट्रक्चर कंपेयर किया बेटा, क्रोमोजोम का। दो ऑर्गेनिजम्स लिए, कौन से, एक ले लिया ह्यूमन, ठीक है, एक बेटा ले लिया ह्यूमन, दूसरा ले लिया चिंपैंजी। पता तो है ही, पहचानते तो हो ही तुम, है ना, चिंपैंजी को बेटा पहचानते तो तुम हो ही, है ना। एक ले लिया ह्यूमन, एक ले लिया चिंपैंजी, इनके क्रोमोसोम हमने कंपेयर किए कौन से, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, क्रोमोसोम नंबर 6 एज वेल एज क्रोमोसोम नंबर 3। 3 और 6 दोनों क्रोमोसोम कंपेयर किए, एंड व्हाट वी फिगर्ड आउट दैट दे हैव गॉट सिमिलर बैंडिंग पैटर्न। उनका जो बैंडिंग पैटर्न था ना बेटा, वो क्या था, सिमिलर था। बैंडिंग पैटर्न तो तुम समझते ही हो, है ना। बैंडिंग पैटर्न बेटा ऐसा होता है, ये क्रोमोसोम है ना, इस पे जो 80 रिच रीजन होते हैं वहां पे डार्क बैंड बन जाएगा इस तरीके से। तो जब हमने ह्यूमन और चिंपैंजी का क्रोमोसोम स्टडी किया तो सेम टाइप के बैंड मिले। इससे क्या प्रूव हो जाएगा बेटा, कि ये दोनों आपस में क्या हैं, रिश्तेदार हैं। ये क्या है बेटा, क्लोज रिलेटिव्स हैं। यस, ये क्या है बेटा, क्लोज रिलेटिव्स हैं। तो यहां पर हमारे समाप्त हुए एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। समझ आया,
जिस जिसको समझ आया चैट सेक्शन में बेटा थोड़े से हार्ट, थोड़ी सी एनर्जी बन जानी चाहिए, है ना? बता दो मैम को। अच्छा अच्छा नहीं है यार, ये दोनों क्या है, आपस में क्लोज रिलेटिव्स हैं, ये चीज़ यहाँ से प्रूव हो गई। अच्छा आप लोगों को पता है कि नहीं कि आप क्लास 11th के टॉपिक मेरे साथ कैसे रिवाइज कर सकते हो? चलो मैं क्लास 11th यूट्यूब पे कम्प्लीटली नहीं ले रही हूँ, प्लस पे ले रही हूँ, लेकिन आप लोग क्लास 11th के टॉपिक मेरे साथ कैसे रिवाइज कर सकते हो? यू कैन डू दिस बेटा बाय अटेंडिंग माई 10 मिनट सीरीज। किस किस को पता है मेरी 10 मिनट सीरीज के बारे में, बताइए, हु नोज अबाउट दिस? बताओ हु नोज अबाउट दिस 10 मिनट सीरीज? यस कम ऑन, पता है कि नहीं पता है? मेरी 10 मिनट सीरीज में बेटा आप लोग आ सकते हैं और अपनी 11th रिवाइज कर सकते हैं। जो 2021 वाले उनको तो सब कुछ ही करना है, 11th भी करनी है, 12th भी करनी है। 2022 वालों के लिए 11th रिवाइज करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, जिसमें एवरी डे मेरा सुबह 9 बजे एंड रात में 9 बजे सेशन आता है, एंड उस सेशन में आप लोग जस्ट 10 मिनट में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, है ना? जिसको पता है वो जरूर देखे और इसको फैलाएं भी, सब तक इस चीज को फैला दें। यस बिल्कुल, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज गोइंग टू बी थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। कौन कौन से साइंटिस्ट आए और एवोल्यूशन की क्या थ्योरी थी? देखो बेटा समझो, पहले हमने पढ़ी थी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी। फिर हमने पढ़ी थी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसमें आई थी थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, एबायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस, केमिकल एवोल्यूशन, है ना? अब हम पढ़ रहे हैं कि लाइफ आ गई, धरती बन गई, यूनिवर्स आ गया, ब्रह्मांड बन गया, इवोल्यूशन कैसे हुई, चेंज कैसे आया, पुराने ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म में चेंज कैसे आया, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यस, तो अलग अलग साइंटिस्ट आए यार, अलग अलग थ्योरीज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली थ्योरी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बेटा गोइंग टू बी लेमार्किज्म थ्योरी, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट थ्योरी ऑफ डार्विन, आज दो ही हो पाएंगे, लेमार्किज्म एज वेल एज डार्विन। और भी साइंटिस्ट आए, वन इज गोइंग टू बी ह्यूगो डीव्रीज, एंड देन बेटा हम पढ़ेंगे मॉडर्न और सिंथेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं बेटा लेमार्किज्म से। यस एवरीवन, बिल्कुल बिंदास बंदे हैं ये क्या है, साइंटिस्ट बड़े बिंदास है, और बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी दी थी, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। तो सबसे पहले बेटा एक साइंटिस्ट थे, ही वॉज लेमार्क, दैट इज जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। ही प्रपोज्ड द पहली थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, सबसे पहली इन्होंने दी थी, शक्ल याद कर लो यार, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी का नाम क्या है? इस थ्योरी का नाम है बेटा, दो नाम है, वन इज इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, है ना बेटा? और क्या दिए थे इन्होंने? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ये दो थ्योरीज दी थी हमारे लेमार्क ने। एंड साथ ही में एक बुक भी लिखी थी, दैट इज फिलोसॉफिक जूलॉजिक, जूलॉजी से रिलेटेड। अब ये थ्योरी क्या थी मैं आपको पहले लिख के समझाती हूँ, फिर आगे चलेंगे। यस गाइड, अकॉर्डिंग टू लेमार्क, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेटा लेमार्क, ये क्या कहते थे बेटा, देयर इज टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन ऑर्गन, कि एक ऑर्गन के पास क्षमता है कि वो अपना साइज बढ़ा सकता है, इट कैन इंक्रीज इट्स साइज, दैट मींस देयर इज इंटरनल फोर्स। वो ऐसा बोलते थे कि अगर तुम चाहो तो तुम बेटा अपने ऑर्गन का साइज बढ़ा सकते हो। मान लो तुम्हारी मर्जी है कि मुझे ये अपनी फिंगर का साइज बढ़ाना है, तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति है, वाइटल फोर्स है, जो तुम्हारी इस फिंगर का साइज बढ़ा सकती है, ठीक है? ये उनका कहना था कि तुम चाहो तो एक ऑर्गन का ओवर यूज करके उसका साइज बढ़ा सकते हो। और वो कहते थे कि जिस ऑर्गन का ओवर यूज होगा वो बेटा स्ट्रेंथन होगा, वो ऑर्गन बढ़ता जाएगा। जिस ऑर्गन को तुम यूज नहीं करोगे, डिसयूज करोगे बेटा, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डिग्रेड होता जाएगा। यस बेटा, जो यूज करोगे वो स्ट्रांग होगा, जो नहीं यूज करोगे बेटा वो क्या होता जाएगा, डिग्रेड होता जाएगा। अब तुम क्यों यूज करोगे बताओ,
क्वेश्चन पूछ लो कि मैम मैं क्यों यूज करूंगा एक ही ऑर्गन को, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हो सकता है अडेप्टेशन में तुम्हें इस फिंगर की बहुत जरूरत है, इसीलिए तुम इसका ओवर यूज करोगे 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 करोगे, तो बेटा इसका साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जिसका यूज उसका साइज बढ़ा, जिसका नहीं यूज किया डिसयूज किया बेटा, वो धीरे धीरे डिग्रेड होती जाएंगी। आपकी मम्मी भी बोलती होगी कि चलना फिलना शुरू करो बेटा, बेड पे मत बैठे रहो, सारा दिन कुर्सी पे मत बैठे रहो, चलोगे नहीं तो मसल्स क्या हो जाएंगी, जाम हो जाएंगी, घुटने क्या हो जाएंगे, जाम। सुना है कि नहीं मम्मी को बोलते हुए कि मेरे घुटने जाम हो गए, क्यों, क्योंकि मैं इतनी देर से चली नहीं। आप बड़ी देर बैठे रहो तो आपका पैर भी सो जाता है। व्हाट इज हैपनिंग, डिसयूज ऑफ द ऑर्गन, डिसयूज ऑफ द मसल। एंड लेमार्क कहते थे कि अगर आप डिसयूज करोगे तो वो ऑर्गन, वो टिश्यू क्या होता जाएगा, डिग्रेड होता जाएगा। ठीक है, तो अडेप्टेशन के चलते एनवायरनमेंट चेंज हुआ। लेमार्क ने बोला कि यार एनवायरनमेंट ना चेंज हुआ, इस एनवायरनमेंट चेंज के वजह से इनको अडेप्ट करना था, अडेप्ट करना था, तो उन्होंने किसी एक ऑर्गन का ओवर यूज़ किया, वो ऑर्गन स्ट्रेंथन होता गया, जिसका डिसयूज़ किया बेटा वो ऑर्गन क्या होता गया, डिग्रेड होता गया। और जो भी चेंज आया, देखो बेटा व्हाटएवर चेंज, समझना, जो भी चेंज आया ना वो लाइफ टाइम के बाद आया, कि तुमने आज उंगली खींचनी शुरू की, ये उंगली ग्रो कर गई, ये बड़ी हो गई, ये स्ट्रेंथन हो गई, बर्थ के बाद ही की ना। तो ये कह रहे थे कि जो भी चेंज आया वो क्या आया, लाइफ टाइम के बाद आया, पैदा होने के बाद आया, दैट इज अक्वायर्ड चेंज। और इनके अकॉर्डिंग ये जो अक्वायर्ड कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जेनरेशन में जाता है। लेमांग कह गए कि जो चेंज तुम्हारे अंदर आज तुम्हारे अंदर हुआ, एक्वायर किया तुमने, वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। दैट मीन्स लेमांग के अकॉर्डिंग ये अक्वायर्ड कैरेक्टर हमारे जीन में चेंज ला रहा था। एग्जाम्पल, अगर मैं लेमांग की बात मान लूं तो बात तो ऐसी होगी कि तुमने आज इस जन्म में बेटा कान बिनवाए, ईयर पियर्सिंग कराई, ये एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है ना, बर्थ के बाद तुमने कराया, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है कि मम्मी के कान छिदे हुए हैं तो आगे जो बच्चा होगा उसके कान भी छिदे हुए आएंगे, उसमें भी पियर्सिंग होगी, बता दो एक बार, क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? यस गाइस, क्या ऐसा होता है कि जो चेंज आज तुमने एक्वायर किया, तुमने ईयर पियर्सिंग करा ली, है ना, यहाँ भी आजकल तो लोग पियर्सिंग करा रहे हैं, अकेले ईयर नहीं है, नोज के सेंटर में करा रहे हैं, टंग पे भी करा रहे हैं, बड़ी अजीब अजीब जगह पे पियर्सिंग हो रही है, बट क्या वो पियर्सिंग नेक्स्ट जनरेशन में जाती है बेटा, बता दो मैम को, एवरी वन टेल मी, होता है ऐसा कभी? चलो ये एग्जाम्पल में तुम नो बोल दो, एक बारी में तो अपने मार्क को बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं करेंगे। एक और एग्जाम्पल, इस जनरेशन में लड़के ने शेविंग करी, शेविंग करी तो यहाँ के बाल उतर गए, है ना, एक्वायर्ड कैरेक्टर, पहले उसकी इतनी दाढ़ी थी अब नहीं है, बट क्या वो शेविंग वाला पर्सन व्हेन ही विल रिप्रोड्यूस तो क्या वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, क्या अगली जनरेशन की दाढ़ी नहीं आएगी? यस yes? अगर हम इस बात को माने कि एक्वायर्ड कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, तो बात तो यही है कि इस जनरेशन में पर्सन ने शेव की तो अगली जनरेशन के भी शेव आएगी नहीं, है ना, क्या ये मान सकते हैं? नहीं मान सकते। चलो एक और एग्जाम्पल देके देखते हैं तुमको, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस जनरेशन में बेटा आपने गिटार सीखा, बहुत मन करता है लड़कों का तो, है ना, स्टड बनने का, गिटार सीखने का। इफ फादर इज अ गिटारिस्ट तो क्या जो उसका बेबी होगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी गिटारिस्ट, उसे भी सिर सुर ताल सारे गामा पा सब समझ आएगा? क्या सब समझ आएगा? नहीं आएगा ना, लेकिन था तो ये क्वाइट कैरेक्टर। तो यार यहाँ से मुझे इस थ्योरी को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिजेक्ट, होल्ड पे डालना पड़ेगा। लेकिन लेमार्क ने क्या सोच के थ्योरी दी थी वो भी देख लेते हैं। ठीक, तो लेमार्क कहते थे दैट देयर इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और देयर इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ठीक, हाँ जी, चार पोस्टुलेट दिए थे उसने कि आपकी बॉडी के अंदर देयर आर गोइंग टू बी इंटरनल फोर्सेस, वही लिखा जो बॉडी का साइज बढ़ाती हैं, नया ऑर्गन बनेगा एज ए रिजल्ट ऑफ नीड, कि एनवायरनमेंट में चेंज आया, जरूरत पड़ी, इसीलिए नया ऑर्गन बना। देन डेवलपमेंट एंड पावर ऑफ द ऑर्गन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूज, कि यार एनवायरनमेंट चेंज होगा, इस वाले
को फॉलो करना बेटा. एनवायरमेंट चेंज हुआ तो अडेप्टेशन आई, कुछ कैरेक्टर आया, वो बेटा डिपेंड करेगा उसको यूज करोगे तो वो स्ट्रेंथन होता जाएगा. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूज. और चौथी लाइन तो बेटा सबसे मजेदार, दैट ऑल चेंजेस एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग. दैट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर. अब इन्होंने भी एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट किया था, है ना बेटा, एग्जाम्पल्स दी थी. जैसे पहली एग्जाम्पल, एग्जाम्पल किसकी थी, लेमार्क ने एग्जाम्पल दी जिराफ की. क्लासिक एग्जाम्पल बेटा, सेवेंथ एट्थ क्लास से आप सीखते आ रहे हो. लेमार्क ने बोला कि जो पहले के जिराफ थे ना, उनका साइज छोटा था, उनकी गर्दन इतनी बड़ी नहीं होती थी, उनको जरूरत भी नहीं थी क्योंकि नीचे लैंड पे ना सफिशियंट ग्रास होती थी. क्या होती थी, ये ग्रास देख रहे हो, खूब ग्रास है, उनको ऊपर उचकने की जरूरत नहीं है. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे बेटा नीचे ग्रास कम होती गई, ड्रॉट छा गया, सूखा छा गया. अब सूखा छाएगा तो यार ये वाली ग्रास तो नहीं चाहिए, नहीं मिल पाएगी, खाना खाना है, खाना अब ऊपर पेड़ों पे दिख रहा है, पेड़ों पे पत्ते दिख रहे हैं. तो जिराफ ने क्या किया, नेक को स्ट्रेच करना शुरू कर दिया. जब जिराफ ने अपनी नेक को स्ट्रेच किया तो धीरे धीरे उसकी गर्दन क्या हो गई, बढ़ गई. यूज ऑफ ऑर्गन, उसने अपने नेक की मसल्स को, नेक के सेल्स को स्ट्रेचिंग की. स्ट्रेचिंग की तो बेटा यूज हुआ, यूज हुआ तो स्ट्रेंथन हुआ, बढ़ गया. तो दिमाग ने बोला कि इस तरीके से ऑर्गन का यूज करने से ये ग्रो किया, है ना. अब ये इसका बन गया एक्वायर्ड कैरेक्टर, क्योंकि जन्म के बाद ये हुआ ऐसा जिराफ के साथ. तो अब जब ये लंबी नेक वाला जिराफ बेटा रिप्रोड्यूस करेगा तो जो नेक्स्ट जेनरेशन है, ये क्या है, अच्छा दिख नहीं रहा, मैं हट जाती हूँ. अब दिख रहा है, अब बेटा दिख रहा है, आई होप. उल्टी साइड हट गई हूँ, इधर जाना मुझे, देख रही हूँ ना थोड़ा उल्टा चल रहा है बेटा ये. अब दिख रहा होगा, अब थोड़ा सा और, थोड़ा सा और. यस, नाउ इट वुड बी विजिबल. हाँ, अब देख लो बेटा कि पहले ग्रास थी तो छोटी गर्दन से काम चल रहा था, फिर सूखा पड़ गया तो ग्रास खत्म हो गई, अब ऊपर वाले पेड़ों को देखना है. पेड़ों को देखने के लिए बेटा स्ट्रेचिंग करी, ऑर्गन यूज किया, यूज किया तो ऑर्गन क्या कर लिया, ग्रो कर लिया. अब ये बन गया इनका एक्वायर्ड कैरेक्टर. क्या बन गया बेटा इनका, अक्वायर्ड कैरेक्टर. और इन्होंने बोला कि अक्वायर्ड कैरेक्टर नेक्स्ट जेनरेशन में जाता है. तो ये हो गई पहली एग्जांपल ऑफ लेमार्किज्म, दैट इज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स. एक एग्जांपल नहीं, एक से ज्यादा एग्जांपल दी थी, है ना. अगली एग्जांपल जो लेमार्क ने दी, दैट इज ऑफ स्नेक्स. स्नेक लॉस्ट देयर लेग्स. देखो स्नेक किस क्लास में आते हैं, स्नेक बिलोंग्स टू रेप्टाइल्स, है ना बेटा. स्नेक क्या है, रेप्टाइल वाली क्लास में आते हैं. अब रेप्टाइल छिपकली, यार छिपकली के तो लिम्स होते थे, लेकिन जैसे एवोल्यूशन हुई तो स्नेक ने अपने प्रोटेक्शन के लिए, बचाव के लिए क्या कर दिया, लिम्स को लूज कर दिया. तो स्नेक की अब लेग्स नहीं है. लेमार्क के अकॉर्डिंग ये फीचर क्या है, एक अक्वायर्ड फीचर है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. और यही फीचर नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, ठीक है. तो उनको लगता है कि स्नेक ने अपनी लेग्स इसीलिए लूज की क्योंकि उनको प्रोटेक्शन करनी थी. अनदर एग्जांपल ऑफ लेमार्किज्म इज फ्लाइटलेस बर्ड्स. ये भी लेमार्क ने बोला इसकी वजह से हुआ. देन बेटा फ्लाइटलेस बर्ड्स मतलब उन्होंने ऑर्गन का डिसयूज किया, उन्होंने अपने पंखों का यूज नहीं किया तो आज वो उड़ नहीं पा रहे, ये लेमार्क का कहना था. देन अनदर एग्जांपल इज बेटा वेब्ड टोज ऑफ अक्वाटिक एनिमल्स. Aquatic animals, aquatic birds की बात हो रही है. Birds को वैसे उड़ना है, लेकिन जो aquatic birds है उनको swimming भी करनी है. तो swimming के लिए उनमें एक acquired change आया कि उनके toes कैसे हो गए, यहाँ पे देखिए webbed, एक जाले की तरह बन गए जिससे वो अपनी swimming आराम से कर पाए. अच्छा आपने क्या swimming करते हुए वो देखा है, हेल्प करने के लिए, जैसे जो बच्चे स्विमिंग करते हैं या फिर कोई बड़ा पर्सन भी स्विमिंग करता है तो उनके पैरों पे ऐसे लंबे लंबे फिन्स होते हैं. If you have ever done scuba diving or if you have ever done snorkeling, तो आपने देखा होगा पीछे ना पैरों पे फिन्स आते हैं, शूज टाइप बना होता है और इतना बड़ा फिन होता है, देखा है? जिस जिसने देखा है बता दो मैम को. फिन्स, यस फिन्स से होते हैं. वो फिन्स क्यों हैं?
वो फिन्स इसीलिए है ताकि आपकी स्विमिंग और बेहतर हो पाए, आप पानी के करंट को और अच्छे तरीके से मूव कर पाओ। जिसने नहीं देखा वो जाकर जरूर देख सकते हैं, ठीक है, जाकर जरूर देख सकते हैं। तो ये है बेटा आपकी थ्योरी ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर विच इज गिवन बाय लेमार। अब इस थ्योरी को बेटा डिसअप्रूव करने के लिए बहुत लोग हैं। तुमने तो वैसे खुद ही कर दी हो ईयर पियर्सिंग वाली एग्जाम्पल सुन के। और भी साइंटिस्ट आए, वन ऑफ द साइंटिस्ट हु केम वॉज ऑगस्ट वीएसमैन। ध्यान देना कौन आया यहां पर अब, ऑगस्ट वीएसमैन, महीने वाला ऑगस्ट होता है ना, बस वही स्पेलिंग है। सो द साइंटिस्ट केम दैट इज ऑगस्ट वीएसमैन। ऑगस्ट वीएसमैन ने बोला कि यार मैं ट्राई करके देखता हूं कि एक्वायर्ड कैरेक्टर को लेमार्क बोल रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, तो मैं कोशिश करके देख लेता हूं। तो ऑगस्ट वीएसमैन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया बेटा, उन्होंने लिए, बस इमेजिन कर लो ये क्या है, चूहा है, तुमको इमेजिन करना है बस, देखना नहीं है, ठीक, थोड़ा सा फिश टाइप लग रहा है बट है ये चूहा, ठीक। तो उन्होंने बेटा क्या किया, ही कट द टेल ऑफ द चूहा, ही कट द टेल ऑफ माइस, माइस की टेल काट दी। ये कैसा कैरेक्टर है, एक्वायर्ड कैरेक्टर। अकॉर्डिंग टू लेमार के नेक्स्ट जनरेशन में जाना चाहिए कि ये माइस जब रिप्रोड्यूस करे तो अगली जनरेशन के माइस भी टेललेस होने चाहिए थे। लेकिन बेटा उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 20 से 25 जनरेशन तक कोई भी जनरेशन ऐसी नहीं आई जिसमें टेल ना हो, ऑल द जनरेशंस हैड टेल। तो यहां से प्रूव हो गया कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, टेल काटना एक एक्वायर्ड कैरेक्टर था इस माइस के लिए, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं गया। दैट मींस ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर आया है इसने आपके जर्म प्लाज्म में चेंज नहीं लाया, आपके डीएनए में कोई चेंज नहीं आया टेल काटने से। चेंज कहां पर आया, सोमैटिक सेल्स में आया। ये नेक्स्ट जनरेशन पे पास नहीं हुआ, कैरेक्टर इज नॉट पास टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, यही लिखेंगे ना, कैरेक्टर इज नॉट पास टू नेक्स्ट जेनरेशन। वाई, क्यों नहीं गया, बिकॉज बेटा देयर वॉज चेंज इन सोमैटोप्लाज्म। किसमें चेंज आया, सोमैटोप्लाज्म में चेंज आया, किसमें नहीं आया, देयर वॉज नो चेंज इन जर्म प्लाज्म, नो चेंज इन जर्म प्लाज्म। इज इट क्लियर कि ऑगस्ट वीएसमैन कहे, उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारे जीन्स में चेंज नहीं आएगा तब तक वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता है। अब ये जो टेल काटने वाला प्रोसेस था इससे जीन्स में चेंज नहीं आया, इससे चेंज आया सोमैटिक सेल्स में, तो सोमैटिक सेल वाला तो अगली जनरेशन में बेटा नहीं जाएगा। तो ये जो थ्योरी दी थी उन्होंने, इस थ्योरी का नाम रखा, दैट इज कॉल्ड एज जर्म प्लाज्म थ्योरी। दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज जर्म प्लाज्म थ्योरी। समझे कि नहीं समझे, ये थ्योरी समझ आई, दिस इज कॉल्ड एज जर्म प्लाज्म थ्योरी, दैट एनी काइंड ऑफ चेंज विच विल कम इन जर्म प्लाज्म इट विल गो टू नेक्स्ट जनरेशन, इफ द चेंज विल कम इन सोमैटोप्लाज्म इट विल नॉट गो टू द नेक्स्ट जनरेशन। यस बेटा, जर्म प्लाज्म डॉक्टर रामदान, इट एक्चुअली मीन्स आपके जर्म सेल, जर्म सेल मतलब गोनाड्स, मतलब गैमेट्स, ठीक है। जर्म प्लाज्म मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, जर्म सेल्स, ठीक है, जर्म सेल्स मतलब गैमेट, ठीक है। गैमेट में अगर चेंज आएगा, स्पर्म में चेंज आएगा, ओवा में चेंज आएगा, वही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, बाकी कोई भी चेंज आपकी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। एंड स्टडी 19, सोमैटिक सेल इज एनी अदर सेल ऑफ द बॉडी। चलो एक नया प्रोसेस यहाँ बताती हूँ, नया कॉन्सेप्ट सीखो बेटा। जितने भी बच्चों ने मेरे से 11th नहीं समझी है वही ये सवाल पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। हमारे पास दो तरीके के सेल होते हैं बेटा बॉडी में, एक होते हैं सोमैटिक सेल, दूसरे सेल कौन से होते हैं, जर्म सेल। सोमैटिक सेल होते हैं हर जगह के सेल, हार्ट का सेल, ब्रेन का सेल, स्किन का सेल, गट का सेल, एवरीवेयर, ऑल द सेल्स ऑफ योर बॉडी एक्सेप्ट जर्म सेल। जर्म सेल बोला जाता है गैमीट को। गैमीट कौन से हैं, मेल में बेटा स्पर्म्स हैं, फीमेल में ओवा हैं, सोमैटिक बाकी बचे हुए रेस्ट ऑफ सेल। तो यार वही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा जिसमें गैमीट्स में चेंज आ रहा है। तुम आज अपनी मम्मी की तरह इसीलिए दिख रहे हो, तुम्हारे पास अपनी मम्मी जैसा नोज इसीलिए है
क्योंकि तुम्हें वैसे जीन्स मिले थ्रू ओवा, है ना, गैमेट्स के थ्रू मिले, इसी वजह से यू लुक लाइक देम. लेकिन अगर कोई चेंज तुम दूसरे सेल्स में कर लेते हो, जैसे वही ईयर पियर्सिंग, स्पर्म में थोड़ा हो रही है, ये तो कान के स्किन के सेल्स में हो रही है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, है ना. जैसे बेटा टैटू बनवाना, अब टैटू बनवाते हो, परमानेंट टैटू जो बनता है वो उस पर्सन के साथ तो पूरी लाइफ रहता है, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता है, क्योंकि चेंज कहाँ पर आया है, सोमैटिक सेल्स में आया है, जर्म सेल में नहीं आया. अब पता चला, अब बेटा पता चला. हाँ, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है कि तुम्हारी नाक किसकी तरह दिखती है ना. चलो, यस, चलिए आगे चलें. चलिए, सो इस थ्योरी को, लेमार्क की थ्योरी को रिजेक्ट किसने किया? ऑगस्ट वी एस मैन ने. ये देख लो बेटा, ये डायग्राम तो ठीक है, ये तो माइस की तरह दिख रहा है. ही रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ लेमार्क बाय गिविंग जर्म प्लाज्म थ्योरी. तो उन्होंने बोला कि दो टाइप का मैटर होता है, सोमैटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म. सोमैटोप्लाज्म किस में होगा? सोमैटिक सेल का प्रोटोप्लाज्म. जर्म प्लाज्म बेटा किस में होगा? जर्म सेल. जर्म सेल मतलब गोनैड्स. गोनैड्स में कौन से सेल बनेंगे? स्पर्म बनेगा मेल में और ओवा बनेगा बेटा फीमेल में, है ना. उन्होंने बोला, ऑगस्ट वीएसमैन ने बोला कि सोमैटोप्लाज्म आपकी डेथ के साथ खत्म हो जाता है. कि जो चेंज सोमैटिक सेल में हुआ, इट विल डाई विद यू, बट जो चेंज आपके स्पर्म में आया, ओवा में आया, जर्म प्लाज्म में आ गया, वो नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगा ही जाएगा, है ना. इफ एनी वेरिएशन डेवलप्स इन जर्म प्लाज्म इट इज इनहेरिटेड, इफ वेरिएशन डेवलप्स इन सोमैटोप्लाज्म इट इज नॉट ट्रांसमिटेड. तो ये हुई थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म. अब इस मतलब का, इस वर्ड का मतलब जिस जिसको समझ आ गया है, हार्ट्स इन द चैट सेक्शन राइट नाउ, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि वीएसमैन, ऑगस्ट वीएसमैन की थ्योरी क्लियर है. यस, बताइए बताइए बताइए. सिंसियर स्टूडेंट, आप पूछ रहे हो इंटरनल अक्वायर्ड कैरेक्टर. वो अक्वायर्ड नहीं है. इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट अपॉन योर जीन्स ओनली. आपकी जो हाइट होती है वो डिपेंड करती है आपके पास कैसा जेनेटिक मटेरियल आया. बट येस, आप एक्सरसाइज से भी अपनी हाइट बढ़ा सकते हो. वो है आपका अक्वायर्ड कैरेक्टर. ठीक है, वो है बेटा आपका अक्वायर्ड कैरेक्टर. ठीक, हाँ जी, बताओ क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा. वी एस मैन थ्योरी पे सब बच्चे, वीएस मैन कट ऑफ द टेल ऑफ द माइस जनरेशन आफ्टर जनरेशन, बट द टेल्स नाइदर डिसअपीयर्ड नॉर शॉर्टन्ड शोइंग दैट. देखो, उसने टेल काट के देख ली, अगली जनरेशन में उतनी की उतनी टेल बन रही है, ना छोटी हुई ना गायब हुई. तो इससे क्या पता चलता है? कि डार्विन वॉज करेक्ट, टेल इज एन एसेंशियल ऑर्गन, म्यूटेशन थ्योरी इज रॉन्ग, और लेमार्क वॉज रॉन्ग इन इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स. मैं इसको पूरा कर देती हूँ. हाँ जी, बताइए क्या आंसर आएगा, क्या पता चला? ए बी सी डी. यस यस यस, बताइए बताइए. ये मेरे नाम से, यू नो, बच्चे मेरे नाम से चैट में आ रहे हैं. ऐसा कैसे बेटा, तुम मेरा ही नाम ले लोगे? ऐसा मत करो, सबकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, है ना. यस, यहां से प्रूव हुआ दैट लेमार्क वॉज रॉन्ग इन द इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर. ठीक है, ये क्रिटिसिज्म था. देखो, किसी ने अपने कान में छेद कराया, वो कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, है ना. रेसलर्स पावरफुल मसल इज नॉट इनहेरिटेड इन नेक्स्ट जनरेशन. मुझे लगता है दिख रहा होगा कि कौन है यहाँ पर, है ना. ये देख लो, देखो इतनी पावरफुल मसल इसने बना ली है, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएंगी. क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि चेंज किस में आया? मसल्स में. मसल्स क्या है बेटा? सोमैटिक सेल्स हैं. खुश हो लो, हो लो, हो लो, खुश हो लो, देख के बहुत मजा आ रहा है ना. और सर्कमसिजन ऑफ पेनिस इज नॉट इनहेरिटेड इन नेक्स्ट जनरेशन. Removal of बेटा प्रिप्यूस, विच इज कॉल्ड एज सर्कमसिजन. आज ही मेरे प्लस वाले बच्चों को मैंने ये चीज समझाई है, कैस्ट्रेशन वर्सेज सर्कमसिजन. तो वो कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाती है. ठीक, हाँ जी. तो ये थे क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्क. ये हमने कर लिया है. हाँ जी, चलिए ये हम करेंगे आगे. अब आगे करते हैं नए साइंटिस्ट की थ्योरी, दैट इज गोइंग टू बेटा डार्विन्स थ्योरी. कौन सी थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं अभी? डार्विन. जैसे लेमार्क थे, वैसे ही एक और साइंटिस्ट आए, डार्विन. उनके साथ एक और आए, दैट इज अल्फ्रेड रसल वॉलेस. दोनों ने ना ऑलमोस्ट सेम सा काम किया.
सब बच्चे ध्यान देना, सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी डार्विन की थ्योरी है, तो पानी वानी पी लो, अभी कोई क्लास खत्म नहीं हो रही है, टेंशन मत लो, थोड़ी सी क्लास हम लंबी खींचेंगे और डार्विन की थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, ठीक। अब डार्विन ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, डार्विन अकेले नहीं थे, डार्विन ने ना मिल के काम किया था, दो बंदे थे, तो यहाँ पे ध्यान दो, देयर वॉज चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एंड दो बंदे अल्फ्रेड, दोनों का नाम पता होना चाहिए, रसल, अल्फ्रेड रसल वॉलेस, ठीक। चार्ल्स डार्विन और वॉलेस ने सेम ऑलमोस्ट सेम इंफॉर्मेशन दी थी, इनका जो इंफॉर्मेशन थी वो खुद की बनाई हुई नहीं थी, इन्होंने भी किसी की थ्योरी से इंस्पिरेशन ली, आजकल कॉपी नहीं बोला जाता, इसको क्या बोला जाता है, इंस्पिरेशन ली, ठीक है। डार्विन ने कहाँ पर काम करके ये थ्योरी लेके आए, डार्विन ने काम किया आपको पता है गैलापागोस में, कौन सी शिप पे गए थे, HMS बीगल के अंदर गए थे, कौन सी शिप पे गए थे बेटा, HMS बीगल गए कहाँ थे, गैलापागोस आइलैंड में, हम भी घूम के आ गए, पिछली क्लास में गए तो थे, घूमना ही होता है वहां पे, हमने बीक्स फिंचेस देखी, बीक्स देखी, अडाप्टिव रेडिएशन देखी, हम भी घूम आए। तो डार्विन भी बेटा HMS बीगल पे गए गैलापागोस में, वॉलेस ने भी काम किया, वॉलेस ने किस पे काम किया बेटा, मलय आर्किपेलेजो, वेरी इंपॉर्टेंट, मलय आर्किपेलेजो, ये क्या है, ये बेटा अपना आज के टाइम पे जिसको इंडोनेशिया बोलते हो ना वही है, यस, मलय आर्किपेलेजो इज मॉडर्न इंडोनेशिया, ठीक। डार्विन ने काम किया गैलापागोस पे, वॉलेस ने काम किया मलय आर्किपेलेजो पे, एंड बोथ ऑफ देम केम टू सेम कंक्लूजन, बोथ ऑफ देम केम टू सेम कंक्लूजन, एक ही चीज पे आ गए दोनों, कॉन्क्लूजन, ठीक है। एंड दोनों लोगों ने किसी एक बंदे के वर्क से इंस्पायर होके कंक्लूजन निकाला, किससे इंस्पायर्ड थे बेटा, दे टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम थॉमस मॉल्थस, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ, इन पे क्वेश्चन आ चुका है, इंस्पिरेशन इनकी कौन थे, इंस्पिरेशन फ्रॉम थॉमस मॉल्थस, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि इंस्पिरेशन किससे ली थी, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो वॉलेस थे उन्होंने किस एरिया पे काम किया था, दैट इज गोइंग टू बी मलय आर्किपेलेजो। तो इंस्पिरेशन में थॉमस मॉल्थस ने क्या बोला, देखो थॉमस मॉल्थस जो थे ना इन्होंने काम किया था पॉपुलेशन पे, किस पे काम किया, पॉपुलेशन, पूरा एस्से लिखा था पॉपुलेशन पे ना, पूरा बेटा ऐसे लिख दिया था, वो ऐसे पब्लिश होके लाइब्रेरी में पढ़ा था, लाइब्रेरी में उन्होंने देखा, डार्विन ने भी पढ़ा, वॉलेस ने भी पढ़ा, तो पॉपुलेशन मोटी मोटी बात उस ऐसे में ये लिखी हुई थी, पूरा तो ऐसे हम पढ़ने से रहे, वो कहते थे, मॉल्थस बोलते थे कि जो पॉपुलेशन का इंक्रीज है ना, दैट इंक्रीज इन जियोमेट्रिक एक्सप्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, GP मैथ में पढ़ा हुआ ना, GP, हाँ जी, और जो रिसोर्सेज हैं जिन पर पॉपुलेशन सर्वाइव करती है वो इंक्रीज करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। क्या मतलब हुआ, वर्ड सुने होंगे बेटा आपने GP AP, आई एम नॉट श्योर 10th लेवल पे थे या नहीं, लेकिन 11th और 12th के लेवल पे तो है GP AP, शायद आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। तो मॉल्थस ने बोला कि एक जो पॉपुलेशन होती है ना वो GP की तरह इंक्रीज होती है, कि दौड़ती है पॉपुलेशन, कि मान लो आज उस पॉपुलेशन में दो बंदे हैं, 2, देन बेटा हो जाएंगे 4, देन हो जाएंगे 6, देन हो जाएंगे बेटा सीधा 8, देन हो जाएंगे 16, देन हो जाएंगे 32, मतलब पॉपुलेशन इस तरीके से इंक्रीज करेगी, लेकिन जिन रिसोर्सेज पर पॉपुलेशन डिपेंडेंट है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज करेंगे, मतलब आज अगर 2 रिसोर्स हैं, बाद में हुए 4, फिर हुए 6, फिर हुए 8, फिर हुए 10 मतलब जब पॉपुलेशन 32 पे पहुंच गई है, रिसोर्सेज तो बेटा 10 पर ही पहुंचे। इससे क्या प्रूव हुआ कि रिसोर्सेज का नंबर क्या है, लिमिटेड, खाने वाले लोग क्या हैं, ज्यादा। आप यहीं पे देख लो 32 माउथ्स हैं और रिसोर्सेज कितने हैं, खाना कितना है तुम्हारे पास, 10 हैं। इससे क्या पता चलेगा बेटा, दैट ओनली फ्यू ऑफ देम दे आर गोइंग टू सर्वाइव, है ना, यहां से प्रूव हुआ Only few of them they are going to survive. ये बात पता चला? Yes guys, ये बात पता चली कि मॉल्थस ने क्या बोला? ठीक है, डार्विन अभी भी कुछ नहीं बोले,
ना ही वॉलेस बोले। डार्विन ने फिर एक और चीज स्टडी की। देखो जब कॉन्सेप्ट लाना होता है ना तो अचानक से लाइन नहीं दे दी जाती कि ये हुआ होगा, पहले रिसर्च किया जाता है। फिर डार्विन ने थोड़ा और रिसर्च किया। किस पे रिसर्च किया बेटा? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि यार जो प्लांट को ब्रीड कराते हैं, प्लांट ब्रीडर्स, उनको जो पौधा पसंद आता है उसको ग्रो कराएंगे, उसके सीड्स और ग्रो करेंगे, जो पौधा नहीं पसंद आता बेटा उसको ग्रो नहीं करेंगे। एग्जाम्पल क्लास 10th में पढ़ी थी, किस किस को याद है? वाइल्ड मस्टर्ड से आपने बड़ी तरीके की गोभी बनाई थी, याद है? आपने बनाया केल, आपने बनाया ब्रोकली, है ना, आपने बनाया पिगमेंटेड कैबेज, है ना, आपने बनाया बेटा कॉलीफ्लावर, बनाया था कि नहीं बनाया था? ये सब सीड्स किसने सिलेक्ट किए? फार्मर ने, जो ब्रीडर है वो सिलेक्ट कर रहा है। मतलब ब्रीडर की इच्छा थी कि मुझे केल चाहिए, केल के सीड्स डाल दिए। ब्रीडर की इच्छा थी मुझे ब्रोकली चाहिए, ब्रोकली के डाल दिए, कॉलीफ्लावर के तो कॉलीफ्लावर के डाल दिए। ये जो सिलेक्शन है ये ब्रीडर ने की, ह्यूमन ने की, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। वैसे ही डार्विन ने सोचा कि यार खाने वाले लोग तो 10 हैं, खाने वाले लोग तो बेटा 32 हैं, लेकिन रिसोर्सेज 10 हैं, तो कौन डिसाइड करेगा कि कौन जिंदा रहेगा? तो डार्विन ने सोचा कि दिस विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेचर, कि नेचर विल डिसाइड कि हु विल सर्वाइव, हु विल नॉट सर्वाइव। ये बात समझे कि नहीं समझे? कल कौन सा टेस्ट? हाँ कैबेज भी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, केल, सब कुछ तो डाल दिया है ना, सब कुछ तो डाल दिया। देखिए बेटा कल दोपहर में टेस्ट है, मॉर्निंग में 2 बजे मॉर्निंग होती है, बता दो तुम 2 बजे कौन सी मॉर्निंग होती है? हमने जो विजय परख सीरीज है हमारी उसका टेस्ट रखा है दोपहर को 2 से 5। किस लिए रखा है? ताकि तुमको नीट एग्जाम देने की तैयारी दे पाओ, आदत डल पाए, 2 से 5 एक्टिव रहो, ठीक है? तो कल 2 बजे से 5 बजे तक टेस्ट है एनिमल टिश्यूज का, यस, और उसमें आप एनरोल कर सकते हो सीप लाइफ कोड यूज करके, फ्री टेस्ट है सबके लिए। ये बात समझ आई कि नहीं आई? कि डार्विन वो देख रहे थे कि अगर ये सिलेक्शन एक फार्मर कर सकता है, एक प्लांट ब्रीडर कर सकता है, तो यार नेचर भी तो कर रहा होगा, है ना बेटा? नेचर भी कहीं ना कहीं सिलेक्ट कर रहा होगा। यहां से उसको आइडिया मिला नेचुरल सिलेक्शन का, खुद से नहीं सोचा है, आइडिया मिला उसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन देख के, उसको समझ आया कि यार ऐसे नेचर भी तो कर रहा होगा, है ना? सो दिस इज व्हाट नेचुरल सिलेक्शन इज, देन दिस इज हाउ द आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन केम आउट, ठीक? सो आपने देखा दैट डार्विन ट्रैवल्ड वाया HMS बीगल, हमने स्टडी कर लिया, वो गैलापागोस आइलैंड गए, उन्होंने बेटा 2 बुक से वो इन्फ्लुएंस भी हुए, इन्फ्लुएंस मतलब इंस्पायर हुए। तो पहली थी बेटा प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन बाय मॉल्थस, हमने बता दिया, देन प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी बाय कैरिस, ठीक? और खुद उन्होंने जो बुक दे दी दैट इज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ऑफ बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये थे आपके चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, साथ ही में अल्फ्रेड रसल वॉलेस कहाँ काम कर रहे थे? मले आर्किपेलेजो में, जो कि अब इंडोनेशिया कहलाता है। सेम बातें बोली उन्होंने, है ना, सेम बातें बोली, ठीक है? चलिए अब करते हैं पॉइंट्स ऑफ वॉलेस चार्ट और पॉइंट्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कर ले, है ना बेटा, कर लेना हम, अभी तो बहुत टाइम है। यस, लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पहले मैं आपको लिख के बताती हूँ, फिर पढ़ते हैं। मजा तो वैसे असली लिखने में ही है, जब तक लिख के नहीं बताया तब तक मुझे तो सेटिस्फेक्शन नहीं होती, ठीक है? वैसे मुझे लगता है कि आप लोग भी अपने नोट्स बनाया करो, हाथ से लिखा करो, जब तक तुम भी लिखोगे नहीं, बना बनाया मटेरियल तो बेटा बुक में भी लिखा हुआ है। मजा तब है जब वो नोट्स के फॉर्म में तुमने क्लास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए, फिर तुम अपनी बुक पढ़ते हो, फिर तुम क्वेश्चन निकालते हो, मेरी लिख के बात ले लो, गारंटी ले लो कि यहाँ पर जो तुम लिख के करते हो वो चीज तुम्हें भूलती नहीं है जल्दी। बने बनाए नोट्स की तरफ मत भागो, मैं तुम्हें PDF देती हूँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, आई विल गिव यू PDF, आई शेयर PDF, लेकिन फिर भी आप अपने नोट्स बनाइए। बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाते हैं, मेरे साथ शेयर करते हैं, और इवन आई रीशेयर देम। आप जाइए सोशल मीडिया हैंडल्स पे, अपने नोट्स डालिए जो आपने खुद से बनाए हैं सेशन में, टैग करो मुझे, यू कैन सर्च मी विद माई नेम, टैग करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि यार तुम लोग कुछ काम वाम करते हो कि बातें ही करते हो बस, ठीक है? हाँ जी, चलिए आ जाइए।
एवोल्यूशन में बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की. तो ये क्या कहता है, कुछ पॉइंट्स थे बेटा इसके, एस्पेक्ट्स थे. पहला एस्पेक्ट था दैट इज ओवर प्रोडक्शन. एक एक करके समझना, दैट इज ओवर प्रोडक्शन. क्या मतलब है कि हर पॉपुलेशन के पास, हर ऑर्गेनिज्म के पास बहुत पोटेंशियल है रिप्रोड्यूस करने का, है ना. कोई रोक नहीं है, रिप्रोडक्शन कितनी भी करते जाओ, नंबर बढ़ाते जाओ. ऑल ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस इन लार्ज नंबर. फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गेनिज्म है, ये रिप्रोड्यूस कर सकता है लार्ज नंबर में, है ना, लार्ज नंबर में. लेकिन अगर इतने लोग आ जाएंगे, इतना खाने का सामान तो है ही नहीं, बट फिर भी बेटा इनकी पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट ही रहती है. कॉन्स्टेंसी इन पॉपुलेशन. ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ बेटा, कॉन्स्टेंट क्यों रही? क्योंकि बेटा रिसोर्सेस का नंबर तो लिमिटेड है ना. इतनी क्षमता होने के बावजूद, इतनी रिप्रोडक्शन की क्षमता होने के बावजूद बेटा, द पॉपुलेशन इज स्टिल कॉन्स्टेंट. किस वजह से कॉन्स्टेंट? क्योंकि बेटा रिसोर्सेस आर लिमिटेड, है ना. खाने पीने की व्यवस्था टाइट है, खाने पीने की व्यवस्था कुछ लोगों के लिए ही है. तो मतलब अगर आपके पास 10 थालियां हैं, खाने वाले लोग 30 हैं, तो क्या करेंगे, वो लड़ाई करेंगे आपस में बेटा. क्या होएगी, सबकी लड़ाई होएगी. तो वही तीसरा पॉइंट है. थर्ड पॉइंट इज बेटा वेरिएशंस. थर्ड पॉइंट इज स्ट्रगल, है ना. आपस में क्या चल रहा है बेटा, इनका स्ट्रगल चल रहा है. स्ट्रगल अब कैसा भी हो सकता है, दो स्पीशी आपस में स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, या फिर एक ही स्पीशी के अंदर दो ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, या फिर उनकी लड़ाई चल रही है एनवायरनमेंट के साथ, यार बाहर टेम्परेचर बहुत हाई है, कैसा भी हो सकता है. तो स्ट्रगल इज एट 3 लेवल्स, है ना. देयर कुड बी इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल. इंट्रा स्पेसिफिक मतलब विद इन सेम स्पीशीज, कि मंकी आपस में लड़ रहे हैं रोटी के लिए. और इट कुड बी इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल. इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल दैट मीन्स बिटवीन, स्ट्रगल बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशी, ह्यूमन और मंकी एक ही चीज के लिए लड़ाई कर रहे हैं. और बेटा देयर कुड बी एक्स्ट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल एज वेल. दैट मीन्स द स्ट्रगल विच इज हैपनिंग बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड सम एबायोटिक फैक्टर. इट कुड बी टेम्परेचर, इट कुड बी रेनफॉल एज वेल. ठीक है बेटा, तो लड़ाई चल रही है क्योंकि खाना कम है, रिसोर्सेज कम है. तो लड़ाई में जो जीतेगा वो बच जाएगा, वो आगे रिप्रोड्यूस करेगा, जो नहीं जीता बेटा वो खत्म, है ना. तो यहां पे इन्होंने बोला, चौथा पॉइंट आया कि स्ट्रगल हुई. स्ट्रगल होने की वजह से क्या आई, वेरिएशंस आई, उनके जीन्स में कुछ ना कुछ चेंज आया, वेरिएशन आई. और बेटा जो डार्विन ने वेरिएशंस बोला ना, उसने बोला बड़ी छोटी छोटी वेरिएशन आएंगी, स्मॉल एंड कॉन्टिन्यूस, धीरे धीरे करके आती जाएंगी. वेरिएशन आएंगी, छोटी छोटी आएंगी, आती जाएंगी, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. और इन्हीं वेरिएशंस की वजह से कुछ वेरिएशन होंगी पॉजिटिव फैक्टर वाली, एंड दे विल हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव बेटर. यहाँ पे आया वर्ड बेटा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. जिसमें अच्छी वेरिएशन आई वो जीत गया, जिसमें अच्छी वेरिएशन नहीं आई बेटा वो हार गया. इसका बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं. बड़ा ही सिंपल एग्जांपल. मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि नीट में कितने बच्चे अपीयर करते हैं, आइडिया बता दो, कोई आइडिया, यस बताइए. नीट के एग्जाम देने के लिए कितने लोग, कितने बच्चे बैठते हैं, गिव मी एन आइडिया. बेटे मेरे सारे सेशंस के लिंक मैं सबको बता दूं. यू कैन सी द प्लेलिस्ट, यू कैन गेट द पीडीएफ ऑफ माय ऑल सेशंस ओवर हेयर. मैंने लिंक ट्री का लिंक बना दिया, लिंक ट्री स्लैश सीप डॉट पहुंचा. ये नोट कर लो, सब बच्चे इसको नोट कर लीजिए, लिंक tr कॉमा डॉट EE/SEEP.PAHUJA. इस जगह पे जब आप जाओगे, ब्राउजर में खोल लो, फोन में खोल लो, कहीं भी खोल लो, तो आपको मेरे सारे नोट्स, आज तक मैंने जितने सेशंस लिए अन अकेडमी पर, इट इज मंथ एंड सीरीज, पिछले साल जो मैंने पढ़ाया था, देन इस साल जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो 10 मिनट वाली सीरीज है, सबके सेशन लिंक्स, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी. प्लेलिस्ट देखो, वन बाय वन तुम्हें सेशन दिखेंगे, और पीडीएफ भी कुछ डाल दिए, कुछ मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, मैंने अभी कल ही बनाया, तो इट्स अंडर प्रोसेस. बट यस, आप इस जगह जाकर मेरे सारे सेशंस की पीडीएफ और सेशन के लिंक इन करेक्ट ऑर्डर देख सकते हो.
ठीक है, हाँ जी, यस, चलिए। हाँ मैं पूछ रही थी कितने लाख लोग बैठते हैं, ये कौन बोल रहा मिलियन? 10 मिलियन समझते हो कितना है? 1 करोड़, 1 करोड़ लोग बैठते हैं यार, इतने नहीं, अप्रोक्सीमेटली एवरी ईयर तकरीबन बेटा 17 लाख, 17 लाख्स स्टूडेंट्स दे सिट फॉर नीट एग्जामिनेशन। बैठते तो बहुत हैं, लाखों में बैठते हैं, लेकिन सीट्स कितनी हैं? सीट्स तो बेटा हैं आपके पास चंद हजार, 5,000, 6,000, 10,000 इन द गवर्नमेंट कॉलेज, है ना। तो 17 लाख लोग बैठे नीट के एग्जाम देने के लिए 10,000 सीट्स के लिए, तो कौन जीतेगा? लड़ाई होगी, है ना, सीट के लिए लड़ाई होगी। एक सीट पे देखो कितना ज्यादा लड़ाई चल रही है, एक सीट के ऊपर भी। तो अब चला स्ट्रगल, बच्चों में आपस में स्ट्रगल चल रहा है, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल चल रहा है। कुछ बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं बाहर के सिचुएशन से कि घर में ये चीज ठीक नहीं है, उनका एक्स्ट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल भी चल रहा है। स्ट्रगल हुआ, स्ट्रगल में कुछ लोग अपने अंदर चेंजेस लेके आए कि नहीं यार मुझे पढ़ना है, उनमें वेरिएशन आई। नॉर्मल जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कुछ बच्चे बड़े सीरियस हो गए इन 2 साल की ड्यूरेशन में, उनमें एक डेडिकेशन आ गई, कंसिस्टेंसी आ गई, तो यार उनको वो सीट मिल जाएगी, है ना, वो सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि वो कहलाएंगे फिट ऑर्गेनिज्म। अगर बेटा जो पर्सन फिट नहीं रहा, लीनियंट रहा, आज भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब चल रहा है ना, चैटिंगे चल रही है पूरा पूरा टाइम, तो बेटा वो फिट नहीं है। लड़ाई बहुत तगड़ी है, 17 लाख लोग, दे आर फाइटिंग फॉर 10,000 सीट्स। वही डार्विन ने बोला कि पॉपुलेशन में नंबर कांस्टेंट रहता है, ज्यादा नहीं बढ़ता है, क्यों? क्योंकि लड़ाई चल रही है, लड़ाई में जो जिसके पास बेनिफिशियल वेरिएशन होगी वो जीतेगा, जिसके पास नहीं है बेटा वो नहीं जीतेगा। दिस इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और वैसे ये टर्म डार्विन ने नहीं दी थी, ये टर्म दी थी हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने दी थी बेटा ये टर्म दी थी हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी। तो डार्विन ने बोला कि जो फिट होगा वो जिंदा रहेगा, वो जिंदा रहेगा तो बेटा ये रिप्रोड्यूस करेगा तो बेटा नंबर अपना बढ़ाएगा, इसका नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये फिटनेस कौन डिसाइड करेगा? दिस विल बी सिलेक्टेड बाय नेचर, ठीक है, नेचर बताएगी कि कौन फिट है कौन नहीं है। हम फिट उसको नहीं बोल सकते जिसके पास बहुत बॉडी है, मसल है, नो, दैट पर्सन इज नॉट फिट, इट डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग। नीट के एग्जाम देने में वो फिट है जिसने तैयारी अच्छी की है ना। एक मिस इंडिया के कॉन्सेप्ट में बेटा वो फिट है जिसने अपनी बॉडी को अच्छे से ग्रूम करके रखा है, जिसको चलना बोलना ये सब आता है, बिल्कुल वो है। मिस्टर इंडिया में वो फिट है बेटा जिसकी मसल्स बड़ी स्ट्रांग होगी। WWE की फाइट में वो फिट है जो अच्छी लड़ाई कर सकता है, जो सामने वाले को नीचे गिर सकता है ना। तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि कौन फिट है। हम किसी की पर्सन की फिजिकल फिटनेस को देखकर नहीं बता सकते। और डार्विन कहते थे कि यार जो फिट करेगा, फिट होगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा, एंड दैट फिटनेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। सो डार्विन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? रिप्रोडक्टिव फिटनेस का कॉन्सेप्ट दिया था। हाँ जी, चलिए अब पढ़ लें इनके पॉइंट। यस गाइस, पता चला, अब ये वाले पॉइंट्स पढ़ लें। चलिए एक एक करके देखिए। हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है पॉपुलेशन में, ठीक है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन का नंबर क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। कैसे? क्योंकि लड़ाई चल रही है, स्ट्रगल चल रहा है कि खाना कम है, लोग ज्यादा हो रहे हैं। इस स्ट्रगल में बेटा क्या आएंगी? वेरिएशंस आएंगी, और यही वेरिएशन में हमें पता चल जाएगा कि कौन फिट है। जो फिट है बेटा वही जिंदा रहेगा, वही सर्वाइव करेगा। और ये फिटनेस किसने डिसाइड की? नेचर ने डिसाइड की। एंड डार्विन टॉक्ड अबाउट नॉट द फिजिकल फिटनेस, ही टॉक्ड अबाउट रिप्रोडक्टिव फिटनेस। किस फिटनेस के बारे में बेटा बात की उन्होंने? रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में बात की। इज दिस क्लियर बेटा? वॉलेस के भी यही पॉइंट थे, डार्विन के भी यही पॉइंट थे, जैसे मैं आपको बताऊं। ठीक, हाँ जी। बिफोर मूविंग ऑन टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन की जो थ्योरी थी ना, इसके 2 पॉइंट आपको याद रखने। देर आर 2 key concepts. There are two key concepts of Darwin's theory. ठीक, concepts. कौन कौन से key concept है? सबसे पहला key concept बेटा है, Darwin ने बोला कि
कि एवोल्यूशन कैसे होती है. एवोल्यूशन होती है पेड़ की तरह. इसने दिखाया पेड़ कि कोई कॉमन एंसेस्टर होगा. क्या होगा? कॉमन एंसेस्टर होगा. देन इस कॉमन एंसेस्टर में चेंज आएगा और अलग अलग दिशा में ये इवॉल्व करता जाएगा. कुछ इस दिशा में चले गए, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, मतलब अलग अलग टाइप की वेरिएशन आती जाएगी और अलग अलग स्पीशी बनते जाएंगे. और ये वेरिएशन किस तरीके की है? ब्रांच ऑफ द ट्री की. तो पहला कॉन्सेप्ट जो डार्विन ने दिया, दैट वेरिएशन हैपन्स इन द पैटर्न ऑफ ब्रांचिंग एंड दैट इज कॉल्ड एज ब्रांचिंग डिसेंट. ठीक, ये दिया उसने पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन कि ऐसे एवोल्यूशन होती है. एवोल्यूशन इज नॉट लाइक बेटा दिस, सीढ़ियों की तरह नहीं है कि एक बना फिर दूसरा फिर तीसरा. ना ना ना, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा नहीं बनता. ए से ए वन, ए टू, ए थ्री, देन ए थ्री के आगे दो ब्रांचेस, ए वन के आगे दो ब्रांचेस, इस तरीके से. सो एवोल्यूशन हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचिंग, नॉट द लैडर. दिस इज द पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन, ये डार्विन ने बोला. अब बताओ मैकेनिज्म बताइए. एवोल्यूशन का मैकेनिज्म, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन. दूसरा की कॉन्सेप्ट था बेटा नेचुरल सिलेक्शन. And this explained the mechanism of evolution. तो दो की कॉन्सेप्ट बेटा डार्विन ने दिए थे, ब्रांचिंग डिसेंट विच विल एक्सप्लेन द पैटर्न कि कैसे एवोल्यूशन हो रही है. सेकेंड इज नेचुरल सिलेक्शन विच विल एक्सप्लेन द मैकेनिज्म कि किस तरीके से हो रही है. यस, अगर मैं बेटा आपसे पूछ लूँ वट आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ लेमार्क, बताइए दे पाएंगे आंसर के नहीं दे पाएंगे. लेट मी सी की कॉन्सेप्ट ऑफ लेमार्क. Yes, will you be able to give the answer or not? Bataiye. Come on, guys. Yes, yes, yes. Give the right answer, beta. Key concepts of Lamarck puche. Darwin ke to maine bata diye. Pehla branching descent, dusra natural selection. Lamarck ke bataiye. Haan, bilkul ek theek bataya hai. बिल्कुल ठीक. सो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट वॉज द यूज इन डिसयूज एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट वॉज द इनहेरिटेंस ऑफ द अक्वायर्ड कैरेक्टर. तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है. ठीक है, आ सकता है. तो अब बेटा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हम कल फिर से डिस्कस करेंगे और बड़ा मजा आएगा. हम अब जिराफ वाली थ्योरी को देखेंगे कि डार्विन ने क्या बोला था. देन बेटा उसी चीज को, जिराफ वाली चीज को लेमार्क ने क्या बोल के एक्सप्लेन किया. इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म देख ही रहे हो, तैयारी हो चुकी थी, है ना, तैयारी हो चुकी थी. लेकिन हम इन चीजों को अब करेंगे कल. साथ ही बेटा आज रात को मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ. आरएनए इंटरफेरेंस वाला आपका 10 मिनट वाला सेशन आएगा 9 PM पर. सुबह 9 AM पे भी बेटा एक सेशन आएगा हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स का, तो वो देखना जरूर, देख भूलना नहीं. ठीक है. और मैम 2022 और 2023 के 3 batches ले रही हैं. पहला संजीवनी, दूसरा बेटा भी संजीवनी, 11th और 12th दोनों का कोर्स चल रहा है. और मैं नहीं, मेरी पूरी अमेजिंग टीम ऑफ अनअकैडमी नीट, जहाँ पे आपको महेंद्र सर, अनूप सर, कोमल मैम सब लोग पढ़ा रहे हैं. आप यहाँ से अनअकैडमी नीट की पर्सनल मेंटोरशिप में आ जाओगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस में आ जाओगे, जिसमें आपको DPPs, हैंड रिटन नोट्स, माइंड मैप सब कुछ मिल रहा है. ठीक है. तो आपको क्या करना है, अगर आप संजीवनी बैच में एनरोल हो रहे हो या फिर इस विजय भव बैच में जिसमें यू विल सी मी विद ऋतु मैम, जहां पर मैं आपको बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ाऊंगी. सबके लिए डिफिकल्ट है लेकिन मेरे बच्चे बोलेंगे सबसे आसान है. ठीक है. तो कोड यूज करना CPLIVE एंड मैम को बताना आई विल टेक यू अंडर माई पर्सनल गाइडेंस. हम आपको, पूरी अनअकैडमी की टीम बेटा आपको गाइड करेगी एंड आपके लक्ष्य तक विजय करवाएगी. ये बैच स्टार्ट हो चुका है 9th, दैट मींस आज से. दूसरी चीज, आज के लिए ही बम्पर ऑफर चल रहा है, वो मैं बता देती हूँ, सुन के जाना. टॉपर्स बैच इज ऑल्सो देयर, देन देयर इज नर्चर बैच, स्पार्क्स बैच आ रहा है. And this is our combo sale offer, guys, जिसमें आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे 10% तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि तुम CPLIVE यूज कर रहे हो. ठीक है. साथ ही में आपको एडिशनल 15% ऑफ मिलेगा और 2 months फ्री भी मिल जाएंगे. ठीक है. तो अगर मान लो आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन में बेटा 10% तो ऑफ हुआ ही, साथ ही में 15% ऑफ और ऑफ हो गया क्योंकि आज का ऑफर चल रहा है, प्लस बेटा 2 months एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे. वैसे ही अगर आप 24 मंथ्स का लेते हो, 2 year सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 20% मिलेगा, प्लस बेटा 3 months और ऑफ मिल जाएंगे. इनफैक्ट आज के लिए तो थोड़ा चेंज्ड ऑफर, लेट मी शो यू, मेरे पास था
आज का ऑफर बेटा थोड़ा सा और अलग है, दिस इज आवर टूडेज ऑफर, बढ़ गया है, इससे भी बेटर ऑफर दे रही हूँ मैं। क्या दे रही हूँ कि अगर आप 3 months का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 month फ्री, अगर आप 12 का लेते हैं तो 3 months फ्री, और अगर आप 24 का लेते हैं तो 4 months फ्री। ये पहले आया था, माइनस नहीं प्लस, ये पहले आया था बेटा ऑफर कुछ टाइम पहले, दोबारा आया है, एंड दिस ऑफर इज ओनली फॉर टुडे, सिर्फ आज आज के लिए बेटा ये ऑफर है, ठीक। तो आपकी अगर प्लान बने सब्सक्रिप्शन लेने का, देन टुडे इज द बेस्ट टाइम, एंड कोड आप याद रख लीजिए मैम का, जिससे आप मैम की गाइडेंस, मैम के डाउट ग्रुप, है ना, पर्सनल मेंटोरशिप गाइडेंस में आ जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी सीप लाइफ, जिससे आपका ये ऑफर अवेल हो जाएगा। अरे हाँ, ये रहा, मुझे लगा नहीं है, ठीक। अगर बेटा आपको प्रॉब्लम आती है लमसम अमाउंट पे करने में, तो अनअकैडमी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है, आप लोन भी अप्लाई कर सकते हो अनअकैडमी में। एक फॉर्म दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस फॉर्म पे जाना, जो बच्चे लोन अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब आप फॉर्म भरोगे तो अनअकैडमी की टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, ठीक है। तो इससे आप अपने अच्छे से सब्सक्रिप्शन ले पाओगे। एक और चीज़ बेटा, कॉम्बैट का टेस्ट इस बार ही मैंने बनाया है। वैसे आप बोलोगे मैम आप हमेशा आप ही बनाते हो, हाँ बेटा मैं बनाती हूँ, बड़ा मुझे मज़ा आता है ना। तो कॉम्बैट का टेस्ट बेटा होता है हर संडे 11 बजे, 11th का अलग होता है, 12th का अलग होता है, और ड्रॉपर यानी कि 13th का अलग होता है। सब बच्चे इस टेस्ट को फ्री बना सकते हैं बाई यूजिंग कोड सीप लाइफ। इस टेस्ट को देंगे तो क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगी। दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा अगर आप टॉप 3 में आ गए तो 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको, 100% स्कॉलरशिप अगर आप टॉप 3 में आ गए। साथ ही में मैम की प्रोफाइल है अनअकैडमी पे, फॉलो कर लो, अब तो यहाँ पर 21 के हो चुके हैं, फॉलो कर लो, एंड सीप लाइफ कोड यूज़ करके मेरी सारी स्पेशल क्लासेस जो कि मैं सुबह 8:30 बजे ही रखती हूँ AM, ठीक है, वो आप अटेंड कर सकते हो। बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का प्रैक्टिस ले लिया है, एक और बचा है वो आप अटेंड कर सकते हो, प्रॉबेबली कल से शुरू करेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर PDF शेयर होगी। आज का सेशन बेटा अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, एंड डू टैग अस, अगर आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे हो आप लोग मुझे ढूंढ सकते हो @seep.pahuja एवरीवेयर, ठीक है। मैंने आपको लिंक ट्री का भी लिंक दे दिया है, वहाँ पर आपको मेरी सारी PDFs और सारे सेशंस एक अरेंज फॉर्म में मिल जाएंगे, जितनी भी क्लासेस मैंने अनअकैडमी पे ली हैं। एंड यस, आप लोग टैग करिए मैम को, अनअकैडमी पे भी फॉलो करिए, नोट्स के साथ टैग करो, सेशन के साथ पढ़ते हुए टैग करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ हमारी अनअकैडमी की नीट की टीम जो मेहनत कर रही है आपके लिए, वो आप बेनिफिट भी उठा रहे हैं। यू नो इट्स अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड फॉर अस व्हेन वी सी पीपल स्टडिंग, व्हेन वी सी पीपल मेकिंग नोट्स फ्रॉम आवर सेशंस, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा आज रात को 9 बजे, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर एंड बाय बाय।